कही तो यार। अरे यार पागल हो क्या, अभी पटक देगा तो कौन जिम्मेदार होगा, तुमको लगी है कि हमको लगी है? जिसको लगी है वो कहे जाके। अबे यार भाई प्लीज, अबे यार भाई प्लीज, प्लीज यार प्लीज, अबे यार तुम लोग मान नहीं रहे यार, बहुत हम खड़े तक नहीं हो पा रहे यार, बहुत तेल लगी है यार। ठीक है ठीक, हम कुछ नहीं समझते, हमको तुमसे पूछा, तुम बताओ। सर इनके पॉटी लगी है, पॉटी। पॉटी लगी है? सब जानते हैं हम, पॉटी तो बस बहाना है, असली मकसद तो बच के जाना। एक कंसर्ट सुना दो और जाओ। और आप भाई साहब, आप दवा कराने आए हैं यहाँ? हम यहाँ के कंपाउंडर हैं। हैं? हम यहाँ के कंपाउंडर हैं। लेकिन शकल से तो मरीज लग रहे हैं। शकल से तो आप भी गधे लग रहे हैं, तो क्या आप गधे हैं? आप गधे तो नहीं है, लेकिन जो बोलता है वही होता है। क्या? जो बोलता है वही होता है। मतलब हम गधे हैं? हैं? हम गधे हैं? और क्या? देखो ऐसा है, क्लिनिक में आओ, कायदम बैठ लियो, उठाक बाहर नाली में फेंक देंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर साहब की शक्ल बंदर जैसी लगती है ना? क्या कहा आपने? अरे हम इनसे कही रहे थे कि आपकी शक्ल बंदर जैसी लगती है। मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? हाँ भाई साहब आप बताइए, मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? दिखाइए भाई साहब, दिखाइए, इधर दिखाइए। ओ माय गॉड, आपकी शक्ल तो पूरी बंदर लगती, टू कॉपी। ओहो, अरे हटो यार, आप बताइए मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? नहीं तो कौन कह रहा है आपकी शक्ल बंदर जैसी लगती, बिल्कुल भी आपकी शक्ल बंदर जैसी नहीं लगती। आप धन्यवाद धन्यवाद, आप बताइए मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? बोलिए, अरे बोलिए ना, क्या क्या हो गया, क्या हो गया, बोलिए ना, सस्पेंस में क्यों है? आप बताइए, अच्छा आप बताइए मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? सही बताएं तो हम जब यहाँ आए थे तो हमको लगा था कोई पालतू बंदर कपड़े पहनकर बैठा हुआ है, और हम उतनी देर से डर रहे थे कि ये बंदर हमको काट ना ले, और अब पता चला है कि आप डॉक्टर हैं। आपकी शक्ल बंदर से नहीं मिलती, बंदर की शक्ल आपसे मिलती है। धन्यवाद। नमस्ते, लेकिन इन लोगों से नमस्ते करने की कोई जरूरत नहीं, ये लोग चपरासी हैं यहाँ के। इतना पट्टे हुए काया रहे हो? सर एक कुत्ता काटे ले रहा था। कुत्ता नहीं है वो, कुतिया है। अच्छा तो नाम क्या है कुतिया का? स्वीटी। अच्छा नाम है? अच्छा नाम है, क्या अच्छा नाम है, एक नंबर का सड़ा घटिया बेहुदा नाम है स्वीटी। तो आपको कौन सा चाहिए था? रानी, हमको रानी अच्छा लगता है। तो रानी ही रख लेते। अरे लेकिन हमारे परिवार में कोई हमारी सुनता कहाँ है, सबके सब अपनी मर्जी करते हैं, कोई सुनता ही नहीं। तो आपकी ऑफिस में भी कौन सुनता है? बोल तो वो रहे, हमारी तरफ का है, देख रहे हो? देखेंगे हम तुम्हारी तरफ, क्या कर लोगे, देखेंगे हम तुम्हारी तरफ, बताओ क्या कर लोगे, क्या कर रहे हैं? रुको थोड़ी देर, तुम पहले रुको, अभी हम बताते हैं हमारे ऑफिस में कोई सुनता है कि नहीं सुनता। तुम्हारे खोपड़ी में दो चपरासी खड़े हुए हैं तो काहे के लिए बजा बजा के बाजा हम लोग की खोपड़ी फोड़ रहे हो? बजा बजा के बाजा दिमाग खराब कर दिया। बताए दादा, अगर हम वहां पहुंच गए तो तुम्हारी खोपड़ी में तबला बजा के जाएंगे। ले लियो वही गवा, करवा लियो बेइज्जत। अरे सर आप इंटरव्यू लीजिए, सब क्या नौटंकी चल रही है यहाँ पे। काजल तिवारी है मेरा नाम,
कोई दिक्कत? काजल तिवारी बाबा मुंडी नीचे करके काए बैठे हैं? बाबा ध्यान लगाए। जब हम लोग अंदर आते तभी बाबा काए ध्यान लगाते, अभी तक तो चिल्ला रहे थे खूब। और बाबा की दाढ़ी कहाँ चली गई? आज बाबा का व्रत है इसलिए बाबा ने दाढ़ी कटवाई है। अच्छा, ए ज्यादा तहकीकात वगैरह तुम ना करो, जो दिक्कत है बोलो, निकल लो यहाँ से। बाबा हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो हम क्या करें, हमारी बड़ी मजबूत है जैसे आर्थिक स्थिति। तुमसे कायदम बात कर लियो। दूसरी? और दूसरी बात कि हम जानते हैं आपने अपनी धोती के नीचे जीन्स पहनी है। तो जीन्स नहीं पहन सकता क्या कोई इंसान? तो आप बाबा हो तो बाबा होके जीन्स पहनोगे? ढोंगी हो क्या? देखो ऐसा है, ठंडी लगती है इसलिए पहनते। तो अभी तो ठंडी का सीजन शुरू भी नहीं हुआ है, गर्मी ही चल रही। मतलब पक्का ढोंगी हो? बाबा हमको तो बस प्रसाद लेना है। अच्छा, कुछ चढ़ाने वढ़ाने के लिए लाए हो कि ऐसे ही प्रसाद लेना? लाए तो नहीं है। वाह वाह, मतलब हम सबको फ्री में प्रसाद बांटेंगे, क्या बात, क्या बात है। यहाँ भंडारा चल रहा है जो प्रसाद लेने आ गए हो। अब क्या भंडारा ही समझो। पीते जाएंगे और बाबा सोते भी जाएंगे। बाबा आप गेट खोल दे, बाबा गेट खोल दे। बाबा मार नारियल खोपड़ी फोड़ते बताए तेरे बंद करके। वो नहीं कह रहे हैं। अच्छा तो क्या कह रहे हो प्रभु? बाबा हम ये कह रहे थे कि कितनी देर बाद गेट खुलवाओगे। कहे तुमको लैट्रिन बाथरूम लगी है क्या जो खड़े होने में दिक्कत हो रही? नहीं। तो खड़े रहो थोड़ी देर, एक से एक भंग पड़े माया। तो सुनो, हमने यहाँ इसलिए बुलाया है। सर जी, हाँ एक बात पूछनी है। बोलो। आपने हम लोग को यहाँ बुलाया काहे के लिए? बता रहे हैं काहे मारे जा रहे हो, बैठो। बच्चों की लगातार शिकायतें आ रही हैं आप लोग के खिलाफ, इसलिए बुलाया है। अच्छा अच्छा, नहीं एक शिकायत ये है कि टीचर क्लास में आते हैं सोते हैं। अरे राम राम, यहाँ आपकी बात की जा रही मिश्रा जी। क्या बक रहे हैं सर? बक नहीं, मेरा मतलब क्या कह रहे हैं सर? नहीं नहीं बक है, बक। अरे नहीं सर, हम जगते तो हैं क्लास में। नहीं बिल्कुल जगते हैं, जगते तो हैं ये हैं, लेकिन जब घंटी बजती तब जगते हैं। घंटी बजेगी तो दूसरी क्लास में जाएंगे, वहां फिर सोएंगे हैं? अरे नहीं सर। क्या नहीं, यही सच है। सही कह रहे हैं, हमारा पीरियड जो है इनके पीरियड के बाद आता है, तो कभी कभी हमको भी जगाना पड़ता है, ये सोए रहते हैं। कहते चलो भैया जाओ, घंटी बज गई, जाओ अब दूसरे पीरियड में दूसरी क्लास में सो जाके, यहाँ से है तो। फिर अंगाते अंगाते उठते, और फिर जो है कभी कभी तो एक बार तो या तो तुम हंस लो या तो बोल लो। नहीं नहीं, एक बार तो ये जो है उंगाते उंगाते उठे और जीने से चढ़ने लगे थे, जीने पे गिर गए धड़ाम से। सारी नींद निकल गई होगी फिर तो। हेयर्स कहाँ हैं? हेयर्स कहाँ हैं? हेयर्स ये
गाना होए, आपसे क्या मतलब है? अरे हम मकान मालिक हैं भाई। मकान मालिक है तो क्या करें, आरती उतारें। हम तो खाली धनिया लेने आए थे। तो धनिया लेने आए थे तो मुंह काहे बना रहे पागलों जैसा? नहीं है धनिया, हरो। तो आप काहे बता रहे हैं? भाभी जी बताएंगी धनिया है कि नहीं है। खाना है? हम बनाते ना, हमको पता है। भागो यहाँ से। भाई साहब एक बात बोले। नहीं, हमको कोई बात नहीं सुननी, हटो। आप बड़े बदतमीज हैं। जा तो रहे लेकिन आपको बात करने की तमीज नहीं है। भी जी भी फुल फॉर्म में है। अरे राम, अभी बेइज्जती करके भेजा था, लेकिन कुछ लोग इतने घटिया किस्म के होते हैं कि क्या बताएं हम। क्या है अब? अरे हम खाली बैठे थे तो सोचे किराया ही ले जाके। किराया ही ले जाके? आज कितनी तारीख है? एक तारीख हो गई है तो आज 26, लेकिन सिलेंडर वाला आया है ना तो पैसे मांग रहा। हम सोचे यहीं से लेके दे दें। यहीं से लेके दे दें, शर्म भी नहीं आती बोलते हुए। मतलब अगर हम किराया नहीं देंगे तो आपके यहाँ सिलेंडर नहीं आएगा, ना ही आपके यहाँ चूल्हा जलेगा, ना ही खाना बनेगा। ऐसा नहीं है, चूल्हा का है नहीं जलेगा। शांत रहिए आप। मतलब आप इतने घटिया किस्म के इंसान हैं, हमको ये आदत आपकी इतनी घटिया लगती है कि अगर सब्जी लेनी है तो किराया लेके दे दें, बच्चों की फीस भरनी है किराया लेके भरवा लें, जूता सिलवाना है किराया लेके सिलवा लें। मतलब अपने जीवन यापन का कोई भी काम करवाना होगा तो किराया लेके।